हिमाचल क्रशर यूनियन के प्रधान रणवीर सिंह निक्का की अध्यक्षता में आज पठानकोट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए रणवीर सिंह निक्का ने बताया कि हिमाचल से आने वाली रेत अथवा बजरी की गाड़ियों के पास एम फॉर्म क्लियरेंस और पक्के बिल होने के बावजूद भी पठानकोट माइनिंग विभाग धक्केशाही करते हुए चालान काट रहा है। उन्होंने कहा कि अगर विभाग ने ऐसा करना बंद ना किया तो वे पंजाब से आने वाले रेत बजरी की कोई गाड़ी हिमाचल में दाखिल नहीं होने देंगे। इस दौरान अशोक कटोच, राहुल पठानिया, जोगिंद्र मोहन के साथ अन्य क्रशर यूनियन के सदस्यों ने भाग लिया। एक फर्म द्वारा सारी ही खड्डों की ऑप्शन लेने के बावजूद इन्होंने अपनी यहाँ पर मोनोपोली बनाई है, मन चाहा रेट एक रेत बजरी के ऊपर पैदा कर दिया है। और ये क्रशर एसोसिएशन पंजाब को कहते हैं कि हम 5 रुपए फुट से माइनिंग लेकर 9 रुपए फुट की लेंगे। वो उनको आश्वासन तब देते हैं कि हम हिमाचल का मटेरियल बंद कर देंगे और 9 रुपए फुट का रेट लेंगे। मैं इरीगेशन डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूँ कि ये जो मटेरियल आ रहा है, जो वहाँ पे स्टोन क्रशर चल रहे हैं, वो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई करी? अगर हिमाचल का मटेरियल आ रहा है, आप उनको थ्रेडिंग दे रहे हैं, आपने चेक पोस्ट लगाने के लिए बोला है खड्डों की सैंड और ग्रेवर, ना कि उसको आप चेक कर रहे हो। आप चेक कर रहे हो जो हिमाचल का स्टोन क्रशर का जो मटेरियल आ रहा है, जिसका जीएसटी का बिल उसके साथ है, जी फिनिश गुड आ रहा है, जो पूरे हिंदुस्तान में वो कहीं भी जा सकता है, हिमाचल से लेकर हरियाणा तक, राजस्थान तक कहीं भी जाए, ये इंटर स्टेट बॉर्डरी के ऊपर कंडा लगाकर वहां पर गाड़ियों को ओवरलोड के नाम पर हरास करके उनसे चिटफंड घोटाला कर रहे हैं, उगाही कर रहे हैं, एक एक गाड़ी से 3-3, 4-4 हजार रुपया उगाही कर रहे हैं। और वहां पर प्राइवेट ठेकेदार के लोग गाड़ियां रोक कर उन गाड़ियों को हरास कर रहे हैं। चेकिंग करनी है, डिपार्टमेंट का बंदा चेक करे। इन्होंने हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया कि कोई भी ठेकेदार का वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठेगा। अब देखो जाके जितने चेक पोस्ट इन्होंने नाके लगाए हैं, वहां पर प्राइवेट ठेकेदार के बंदे आदमियों को डरा धमका रहे हैं। की बात सरकार नहीं सुनती और पंजाब की इलीगल माइनिंग बंद नहीं करती। अगर ये पार्शियलिटी, अगर पंजाब की गाड़ी ओवरलोड नहीं है, हिमाचल की गाड़ी ओवरलोड है, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती, हम सड़कों पे उतरेंगे, पूरी एसोसिएशन, पूरे लोग और चक्के जाम करेंगे। सरकार को खुद खुद को फैसला देना पड़ेगा। ये नहीं है कि हमारा ही मटेरियल यहाँ से आता है, पंजाब सरकार का मटेरियल या अदर गवर्नमेंट का मटेरियल भी हिमाचल में जाता है। हम नहीं चाहते कि बॉर्डर पे कोई भेदभाव पैदा हो, जैसे कि पंजाब की ईंटें, पंजाब का रेत बजरी, पंजाब का सरकार, पंजाब का जिम्मेदार इतना अनाज पैदा करता है जो पूरे हिंदुस्तान का पेट भरता है, अगर उसको बॉर्डर के बाहर रोका जाए तो अच्छा नहीं है। सरकार इसकी तरफ ध्यान दे और जो जे माफिया बाहर से आया है इनके ऊपर लगाम। पठानकोट से तरुण सनहोत्रा और मनीष मनहास की रिपोर्ट।